Good morning class. This is our new ENA physio class in which today we will study about the digestion physiology. हम लोगों ने अभी digestion system अपना start कर लिया था, उसका general introduction हमने पढ़ लिया, digestion की anatomy हमने पढ़ ली. तो अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है digestion system की physiology. देखो डाइजेशन क्या होता है. सबसे पहले डाइजेशन का मतलब होता है लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में बॉडी के द्वारा डिवाइड करना, वो डाइजेशन है. बॉडी के द्वारा लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करना ही डाइजेशन होता है. और वो छोटे छोटे क्यों करना होता है कि वो इतने छोटे हो जाएं ताकि वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें. इसलिए डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है ताकि वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो फूड आपने लिया है, वो इतना छोटा हो जाए कि वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ हो सके. तो इस वजह से प्रोसेस चलता है. हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्ट सिस्टम की फिजियोलॉजी का जनरल पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि कैसे फिजियोलॉजी चलती, क्या होती है फिजियोलॉजी, उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है, वो सब जनरल चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं डाइजेस्ट सिस्टम की फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन. अब डाइजेशन दो तरह का होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन. डाइजेशन क्या था, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल वन में ब्रेक डाउन करना डाइजेशन है. ये दो तरह का होता है, मैकेनिकल जिसको अपन फिजिकल भी कह सकते हो, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है मुँह के द्वारा फूड को चबाना जिससे कि वो छोटे छोटे कणों में टूट जाए. मुँह के द्वारा फूड का ब्रेक डाउन प्रोसेस कहलाता है च्यूइंग. ये जो फूड के स्मॉलर पीसेस हैं उससे क्या है, डाइजेशन के लिए उनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है. और फिर ये जो प्रोसेस है आगे का वो स्टमक में चलेगा जिसमें फूड की चर्निंग होगी. माउथ में च्यूइंग होता है, स्टमक में चर्निंग होती है फूड की मस्क्यूलर स्टमक वॉल के द्वारा. मुंह में तो दांतों वगैरह के द्वारा आप च्यूइंग का प्रोसेस करते हो, ये फिजिकली ब्रेकडाउन मुंह में चल रहा है. और दूसरा फिजिकल ब्रेकडाउन स्टमक में चलता है जिसमें फूड की चर्निंग होती है मस्कुलर स्टमक वॉल के द्वारा. इसको फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. जबकि दूसरा जो केमिकल डाइजेशन है उसमें हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं ताकि वो केमिकली कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दे. कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में केमिकली तोड़ दे एंजाइम्स के द्वारा. जैसे स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा जाता है अमाइलेज एंजाइम के द्वारा. तो ये केमिकल डाइजेशन है. मुंह से मस्कुलर स्टमक वॉल से तोड़ना फिजिकल डाइजेशन, और केमिकल यानी एंजाइम्स के द्वारा तोड़ना केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन स्टार्च का अलग से होता है, प्रोटीन का अलग से होता है, फैट का अलग से होता है, जबकि फिजिकल डाइजेशन सबका एक जैसा होता है. स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चलेगा मुंह और स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये चीज़ें याद करो किस किस का कहाँ कहाँ चलता है. हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया था वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें बताई थी. हमने डाइजेशन पहले भी ये कई चीज़ें पढ़ी, पर यहाँ पर अलग से हमने स्पेसिफाई किया है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक और इंटेस्टाइन में चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फैट का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है. अब क्या ज़रूरी है, क्यों ये डाइजेशन का प्रोसेस हमारे अंदर चलना ज़रूरी है, किसके लिए? तो जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं फैट के वो आपके सेल मेम्ब्रेन में पास नहीं हो पाते, इसलिए उनको छोटे मॉलिक्यूल में हमें तोड़ना पड़ता है. कि बड़ा मॉलिक्यूल तो कैसे पास होएगा भाई, स्मॉल मेम्ब्रेन तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पोर्स बहुत माइन्यूट होते हैं, तो लार्ज मॉलिक्यूल उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि वो ईजीली सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ हो जाएँ, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएँ, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं. इसलिए ये डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब डाइजेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, तो ये 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के, पांचों को याद करिए आप. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन. इंजेशन, डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट को लेना, कहाँ पे, मुंह में लेना, ऑब्वियस है, न्यूट्रिएंट को लेना या उनको कंजम्पशन उनका करना, ये इंजेशन कहलाता है, मुंह में लेना इज इंजेशन। फिर डाइजेशन क्या है, केमिकली लार्ज ऑर्गेनिक, या सिंपल कह दो, केमिकल वर्ड यूज़ मत करो, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल कंपोनेंट में तोड़ना डाइजेशन है। और हमने बोला कि भाई डाइजेशन अगर मुंह वगैरह से हो रहा है तो फिजिकल, और अगर एंजाइम से हो रहा है केमिकल ब्रेकडाउन तो वो केमिकल डाइजेशन है। तो सिंपल ऑर्गेनिक, लार्ज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर सिंपल कॉम्पोनेंट में तोड़ना इज द डाइजेशन। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई, द ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी टिश्यू। अब जो फूड आपने डाइजेस्ट कर लिया है उसको बॉडी टिश्यू तक भेजना, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यू तक भेजना, तो उसको पहले एलिमेंट कैनाल से निकालना पड़ेगा और ब्लड स्ट्रीम में भेजना पड़ेगा। एलिमेंट कैनाल से ब्लड स्ट्रीम तक जाने का जो प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। फोर्थ है एसिमिलेशन, इसमें एब्जॉर्ब फूड अब बॉडी के सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है, घुल जाता है, आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। आप बता नहीं सकते कि ये फूड है और ये आपकी बॉडी के सेल के सेल का मटेरियल, ये चीज़ बता नहीं सकते, मतलब घुल जाना, मिल जाना। तो एब्जॉर्ब्ड फूड का बॉडी के सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाना एसिमिलेशन है। अब एजेशन के, एलिमिनेशन ऑफ फूड वेस्ट, कि जो फूड आपने खाया, जो डाइजेस्ट हुआ, जो एब्जॉर्ब हुआ और जो एसिमिलेट हुआ, उसके अलावा जो फूड बच गया, जो बचा ऑब्वियस है वो वेस्ट मटेरियल है, वो फूड का वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट होना एजेशन कहलाता है। फूड वेस्ट मटेरियल का बॉडी से एलिमिनेट होना क्या कहलाएगा, एजेशन। तो ये पाँच प्रोसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, दीज आर फाइव स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। अब सबसे पहले मुंह की बात करें, मुंह खोलने के लिए कहा जाएगा, अपन कहते हैं ना पेशेंट को जब देख रहे हो मुंह खोलो आ करो, तो ये मुंह आपका, मुंह मतलब चेहरा नहीं, जो आप खोल रहे हो वो मुंह, जिससे आप बोल रहे हो, जिससे आप खा रहे हो, जिससे आप पी रहे हो, ये मुंह क्या करता है, सबसे पहला वाला स्टेप करता है भाई इंजेशन का स्टेप, माउथ इंजेस्ट फूड, फूड को खाता है, लेता है, अपने अंदर लेता है। फिर इस मुंह के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि डाइजेशन के लिए उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, उस फूड मटेरियल का सरफेस एरिया डाइजेशन के लिए बढ़ जाए, इसलिए वो फूड मटेरियल को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तोड़ते हैं मतलब मैस्टिकेट करना, मैस्टिकेशन का प्रोसेस टीथ के द्वारा चलता है, टीथ मैस्टिकेट्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस। फिर तीसरा मुंह में क्या चीज़ है, सलाइवा है, जिसकी पीएच 7 होती है, ये फूड को मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाता है। फिर मुंह में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चलेगा, तो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा माल्टोज में टूटता है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है भाई मुंह में, टंग है, क्योंकि पहले तो हमने सलाइवा बोला, तो सलाइवा ही क्या काम करे, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रही है, इसलिए यहाँ पर ये डाइजेशन मैंने बताया। फिर उसके बाद मुंह के अंदर आती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज टंग, ये फूड को सलाइवा के साथ मिलाती है और फूड को रोल करती है और बोलस में कन्वर्ट करती है, उसको स्वेलो करने से पहले या स्वेलो होने से पहले। हमने बोलस पढ़ा था ना, कि सिंपल जो फूड माउथ के अंदर जो कि च्युइंग आपने किया है और वो सिंपल फूड में बदल गया है, वो गोल गोल सा गीला गीला सा सलाइवे में भीगा हुआ जो फूड है वो बोलस कहलाता है, जिसको आप आगे स्वेलो करेंगे। और फिर लास्ट सलाइवा किससे बना हुआ है, वाटर, म्यूकस और सलाइवरी अमाइले से। ये सलाइवा यानी आपका लार है, ये लार के कॉम्पोनेंट्स हैं, वाटर, म्यूकस और सलाइवरी अमाइलेस।
तो ये मुंह के अंदर जो चीज़ें हैं या जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहला आपका मुंह यानी माउथ वो फूड को इंजेस्ट करने का काम करता है, यानी खाने का, उसको लेने का। दूसरा, उसमें टीथ पाए जाते हैं जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं यानी मैस्टिकेट करते हैं, जिससे कि उस फूड का सरफेस एरिया बढ़ सके और डाइजेशन आराम से हो सके। तीसरा, मुँह में सलाइवा जो पाया जाता है जिसका पीएच 7 होता है, वो फूड को गीला और नरम बनाता है, और सलाइवा ही उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है जिससे सलाइवा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा मुंह में टंग पाई जाती है जो फूड को सलाइवा के साथ मिला करके उसको रोल करती है, फूड को बोलस में कन्वर्ट करती है स्वेलो होने से पहले। और फाइनली सलाइवा में वाटर, म्यूकस और सलाइवरी अमाइलेज पाए जाते हैं। अब अगला हिस्सा आपके मुंह के बाद आता है आपका ईसोफेगस, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है भाई, अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच लॉन्ग है। इसका फंक्शन क्या है? पहला, ये म्यूकस को सीक्रीट करती है। दूसरा, फूड को मूव करती है थ्रॉट से स्टमक तक, गले से लेकर आपके स्टमक तक फूड को ले जाने का काम ईसोफेगस करती है। और ये कौन से प्रोसेस के द्वारा? एक मस्कुलर मूवमेंट जिसको आप पेरिस्टासिस कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा ईसोफेगस स्टमक तक फूड को थ्रॉट से लेकर के आती है, पहुंचाती है, और उस मस्कुलर मूवमेंट का नाम है पेरिस्टासिस। और अगर If acid from the stomach gets in here, that's is heartburn. और अगर स्टमक तक लेकर के गई थी ईसोफेगस, स्टमक में आप जानते हो HCL पाया जाता है, ये HCL अगर इस ईसोफेगस में आ जाए तो उसी को आप heartburn कहते हैं, वही heartburn कहलाता है। स्टमक से अगर HCL ईसोफेगस तक आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हार्ट बर्न। ऐसा कई बार होता है, आप देखा करो मिठाई खाते समय कई बार ऐसा होता है कि आपको अजीब सी जलन सी मचने लग जाती है आपके गले वगैरह के अंदर। ये कैसे मचना कि जबकि आप मिठाई खा रहे हो तो फिर जलन कैसे मचे? ऐसा लगता है जैसे मिर्च लगनी स्टार्ट हो गई है। तो वो ईसोफेगस के अंदर ये इस चीज़ का आ जाना ही हार्ट बर्न कहला रहा होता है। तो 10 इंच लॉन्ग ट्यूब होती है, म्यूकस को सीक्रीट करती है, फूड को थ्रॉट से स्टमक तक मूव करवाती है मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा, जिसको आप पेरिस्टासिस कहते हो, और स्टमक का एसिड अगर ईसोफेगस में आ जाए तो उस कंडीशन को आप हार्ट बर्न कहते हैं। तो ये देखिए भाई, स्वेलोइंग का प्रोसेस बताया गया है, बड़ा करके देखें अपन इसको। ये देखिए, ये पूरी सीरीज है, पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है ईटिंग के, च्यूइंग के और स्वेलोइंग के प्रोसेस को। ये मुंह से आपने फूड को खाया, फर्स्ट डायग्राम है। सेकंड के अंदर ये टीथ, टंग, यूवल्वा, फैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस, इन सब का रोल है कि फूड को चबा करके आगे भेजेंगे। जो आगे भेज रहे हैं जिस फूड को, उसको येलो से इंडिकेट किया गया है, जो कि बोलस कहलाता है। च्विड होने के बाद, च्विंग होने के बाद वो बोलस कहला रहा है। फिर ये बोलस ईसोफेगस से होता हुआ नीचे जा रहा है, ये नीचे मुंह करता हुआ दिखाया गया है। आगे लैरिंग्स दिखाई गई है, फूड पीछे मुंह कर रहा है, अपने लैरिंग्स में नहीं जाता, चला जाए तो हमें सांस आनी बंद हो जाएगी। ये फूड अब ईसोफेगस से नीचे उतर रहा है, ये इस तरह से स्वेलोइंग का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब ब्रीदिंग और स्वेलोइंग जब अपन साथ साथ करें तो कैसे चलेगा भाई? कैसे क्या? आराम से उस डायग्राम में समझ में आ रहा था भाई, लैरिंग्स आगे की तरफ है, फूड तो हम पीछे स्वेलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंड्यूसेस दिस ऑटोमेटिकली, जैसे अगर आप ब्रीदिंग ले रहे हो और स्वेलोइंग कर रहे हो तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये क्या करता है? इंड्यूसेस वॉयलेंट कफिंग टू फोर्स द फूड पार्टिकल्स और वाटर आउट एंड टू प्रिवेंट चॉकिंग। कि गलती से आपने सांस, इसलिए कहा जाता है ना, देखो आपको कहा जाता है छोटे से तब से आपको सिखाया जा रहा घर में कि बात करते हुए खाना नहीं खाना है, बोलते हुए खाना मत खाओ, चुपचाप खाना खाओ, मुंह को बंद करके चबाते हुए खाना खाओ, मुंह में ले लिया खाना उसके बाद मुंह बंद करो फिर उसको चबाओ। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप बीच में बोल रहे हैं
तो आप जो सांस नाक से ले रहे होते हैं वो नाक की जगह पर आप मुंह से लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें ब्रीदिंग स्वेलिंग साथ साथ हो रही होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है अचानक, तो आपको तेज कफिंग, तेज खांसी आती है, जिससे कि फोर्सफुली फूड पार्टिकल या वाटर जो भी आपके वहाँ श्वास नली में गया था वो बाहर आ जाएगा, और वो जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्यूब है, आपका लरिंग्स वाला जो पार्ट है, वो चौक होने से बच जाता है, प्रिवेंट चौकिंग, वो चौक नहीं हो पाता। तो डायग्रामेटिकली बताया गया है, फूड पार्टिकल है जो थोड़ा आगे आ गया है, लरिंग्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो लरिंग्स और देखो ये चीज़ें वॉइस बॉक्स और विंड पाइप और इधर पीछे जहाँ पर ईसोफेगस, दोनों एकदम पास पास है, थोड़ा सा फूड पीछे जाने के, थोड़ा सा आगे आया और आगे आते वो चौक हो जाएगा आपका गला, आपको सांस लेनी बंद हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए वॉयलेंट कफिंग पर्सन को होती है। हो गया भाई, ईसोफेगस वाला पार्ट भी हमने कर लिया, और कैसे फूड और ब्रीदिंग जो है वो साथ साथ नुकसानदायक है और कैसे वो बचती है, उस चीज़ को बताया गया है। अब स्टमक, ये एक जे शेप का मस्क्यूलर बैग होता है जिसमें खाया हुआ फूड जो है वो स्टोर होता है थोड़े समय के लिए, और फिर वहाँ पर जब स्टोर होता है तो टाइनी पीसीज में ब्रेक डाउन होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। फिर उस फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिक्स किया जाता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और वो उस डाइजेस्टिव जूस में मौजूद प्रोटीन और लिपिड को तोड़ते हैं। हालांकि लिपिड का मेन ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन होगा डाइजेसिव जूसेस के द्वारा, क्योंकि उन डाइजेसिव जूसेस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स उस डाइजेसिव जूस के साथ में फूड में मिक्स होंगे और फिर उसके प्रोटीन और लिपिड पार्ट को तोड़ेंगे। इसके अलावा जो स्टमक में एसिड होता है वो अगर फूड में कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो उसको किल कर देगा, और फिर ये जो फूड आपके स्टमक में मौजूद है इसको आप क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जो फूड आपने मुंह से निगला था उसको आप बोलस कहते हैं, और जो फूड आपके स्टमक में रहता है उसको आप काइम कहते हैं, और जो स्टमक से आगे मुंह करेगा वो भी काइम है। तो स्टमक के फंक्शन भाई क्या क्या होते हैं, फूड को स्टोर करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, वो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक में बनते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, फूड जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने का काम स्टमक करता है, कि एक साथ बहुत ज़्यादा ना चला जाए, थोड़ा थोड़ा करके जितनी आवश्यकता है उतना ही फूड जाए। इसके अलावा गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है स्टमक से, जिससे कि वो गैस्ट्रिन पेप्सिन और HCl प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है स्टमक में, और लीवर में वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। ये गैस्ट्रिन के दो काम हैं, पहला तो हम कह रहे हैं स्टमक में गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, वो गैस्ट्रिन स्टमक में तो पेप्सिन और HCl का प्रोडक्शन करेगा और लीवर में वो बाइल का प्रोडक्शन करेगा। और चौथा, फूड की बफरिंग कंडीशन की जाती है, मतलब अगर फूड जो आपने खाया वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, तो क्योंकि स्टमक में तो एसिड मौजूद है तो वो वहाँ पर उसको हल्का हल्का न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, यानी बफर का काम करता है स्टमक। तो ये सारे फंक्शंस हैं, हमने 6 फंक्शंस पढ़े। पहला हमने कहा फूड को स्टोर करेगा, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करेगा जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फूड जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम स्टमक ही करता है, गैस्ट्रीन को प्रोड्यूस करता है, और फूड को बफर्ड बनाता है, बफरिंग में हेल्पफुल होता है। हो गया भाई स्टमक आपका कंप्लीट, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, अब बची हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन रफली 7 मीटर लंबी होती है, इसकी लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको अपन विलई कहते हैं, और ये इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। ये विलई पर भी और छोटी छोटी विलई पाई जाती है जिसको अपन माइक्रो विलई कहते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबी होती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की लाइनिंग में पाया जाता है जिसको अपन विल्लाई कहते हैं, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है इंटेस्टाइन के। इस विल्लाई पर भी छोटे छोटे माइक्रो विल्लाई पाए जाते हैं जो और ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि इंटेस्टाइन में अच्छे से फूड का एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो सके। जितने भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो सके, कोई पास ना हो जाए, वेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसके अलावा जो मेजॉरिटी केमिकल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट 3 सेक्शन में होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, मतलब जो 3 सेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके पहले सेक्शन में ही मोस्टली जो है डाइजेशन काम हो जाता है। इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस होते हैं, ऐसा हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, उनमें सबसे पहला ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में ही मोस्टली जो केमिकल डाइजेशन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाता है। इस सेक्शन में, दिस सेक्शन आल्सो कंटेन्स एन ओपनिंग फ्रॉम द बाइल डक्ट, इसी ड्यूडेनम में बाइल डक्ट खुलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है, जिससे कि बाइल डक्ट से बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक एंजाइम का सीक्रीशन या रिलीज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो पाता है। ड्यूडेनम में बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट खुलती हैं जो अपने सीक्रीशन को डायरेक्ट ड्यूडेनम में इंजेक्ट करती है, उन सीक्रीशंस का नाम है बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एंटर करता है वो सेमी सॉलिड मिक्सचर होता है जिसको अपन काइम कहते हैं, स्टमक से आ रहा है ना, स्टमक में ही तो हमने इसको काइम कहा था। ये काइम एसिडिक नेचर का होता है, स्टमक में HCl की वजह से वो एसिडिक बन जाता है क्योंकि उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है अगर कोई अल्कलाइन फूड वगैरह आया होता है। ये काइम की प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रीशन को, कन्वर्जन को ट्रिगर करती है, प्रोसीक्रेटिन को सीक्रेटिन में कन्वर्ट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इस काइम की प्रेजेंस में प्रोसीक्रेटिन को सीक्रेटिन में कन्वर्ट करती है, और ये सीक्रेटिन जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम तक करवाता है और फिर पेनक्रियास तक करवा रहा होता है, पेनक्रियास तक लेकर के जा रहा होता है। डायग्राम में देखिए भाई, एक तो ब्रेन बताया गया क्योंकि ब्रेन तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा देखो जो फूड आपके ईसोफेगस से ऊपर दिखाई हुई ना चिमनी जैसी सी स्ट्रक्चर के ट्यूब से आ रहा है, ईसोफेगस से फूड आया, उसने अपना सीक्रीशन पूरा पूरा एम्प्टी कर दिया स्टमक में, और फिर वो स्टमक धीरे धीरे ईसोफेगस को पूरा पूरा डाल देता है, ज़्यादा ज़्यादा डालता है स्टमक में, पर स्टमक धीरे धीरे फूड को रिलीज करता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में 2 ओपनिंग खुलती हुई दिखाई दे रही, एक तो पैनक्रियास की और एक लीवर गॉल ब्लैडर की, जिससे कि बाइल का सीक्रीशन ड्यूडेनम में होता है क्योंकि बाइल डक्ट खुल रही है हरे रंग की, और ये ब्लू कलर से पैनक्रियास दिखाई गई है जिसमें जो पैनक्रियाटिक सीक्रीशन है, बाइकार्बोनेट सीक्रीशन है, एंजाइम का सीक्रीशन है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में हो जाता है। बस ये बात कहना चाह रहे हैं इसमें। अब बचे लार्ज इंटेस्टाइन भाई, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फिट की होती है, लॉन्ग 5 फिट लॉन्ग, एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्सॉर्ब, जो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, जो बच गया था, वो जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। फिर इसी का एक पार्ट है रेक्टम, जिसमें थोड़े समय के लिए फूड स्टोर होता है, किस फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में, उसको फूड ना बोलें अपन, वेस्ट मटेरियल बोलें, तो फीसेस के फॉर्म में स्टोर होता है इससे पहले कि बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड हो जाए, बाहर निकल जाए, उससे पहले थोड़े समय के लिए रेक्टम में वो स्टोर होएगा। एनस, ये ह्यूमन एनस, एक एक्सटर्नल ओपनिंग है रेक्टम की, क्योंकि हमने माउथ से स्टार्ट किया, रेक्टम तक पढ़ लिया भैया, रेक्टम जो बाहर जिस ओपनिंग से खुलता है, रेक्टम लास्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, ये जिस ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलेगा उसको आप एनस कहते हैं। इस एनस के क्लोजर को स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करती है कि कब इसको क्लोज रखना है, कब इसको ओपन करना है। फीसेस को बॉडी से बाहर एनस के द्वारा एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को आप कहते हैं डीफिकेशन, यानी स्टूल का पास होना। डीफिकेशन के द्वारा वो वेस्ट मटेरियल जो थोड़े समय के लिए रेक्टम में स्टोर हुआ था उसको डीफिकेट कर दिया जाता है, क्योंकि उस
वेस्ट ऑफ फीसेस कहते हैं, और उसको बाहर निकालना डिफिकेशन, और यही मेन एनस का फंक्शन है। एनस का काम है डिफिकेशन करना बस। तो हमने माउथ से लेकर एनस तक जो फिजियोलॉजी है वो पढ़ ली। आपको कोई भी डाउट हो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा क्योंकि काफ़ी इजी चीज़ें थी, काफ़ी इजी लैंग्वेज थी, शॉर्ट शॉर्ट में अच्छे से बताया, मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे का प्रोसेस कैसे चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें, कार फैट प्रोटीन वाले, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।